बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकला हुआ है रथ। जी हाँ, संकल्प यात्रा रथ। हम आपको बता दें कि ये जो संकल्प यात्रा रथ निकला हुआ है, ये सबको जोड़ने के लिए निकला हुआ है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सबको जोड़ने का कार्य कर रहा है, साथ में अपनी मांगों को लेकर निकला हुआ है। और इस रथ के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार जी, बिरसा मुंडे, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काशीराम साहब जैसे सभी महान पुरुषों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और इसमें बहन जी का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, साथ में बहुजन संकल्प यात्रा रथ के नाम से ये रथ निकला हुआ है। पूरे एमपी के अंदर ये रथ घूमेगा। हम आपको बता दें कि इसको जो नेतृत्व कर रहे हैं, इसको रामजी गौतम कर रहे हैं। और ये रथ बेरोजगारी भत्ता, किसानों की मांगों को लेकर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर्स वगैरह जैसी सभी परेशानियों का निदान करने के लिए ये रथ निकला हुआ है। और ऐसे रथ निकलने चाहिए। और ये जहां जहां रथ जा रहा है, लोग इसका अपने आप स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़े से इसका स्वागत करते हैं। पूरा रूट बना हुआ है कि कहां कहां ये जाने वाला है। बहन कुमारी मायावती को ढेर सारा प्यार बहुजन समाज के लोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद सभी लोग दे रहे हैं। इस रथ को महेश आर्य जी के नेतृत्व में है, प्रदेश प्रभारी है, दिल्ली पूर्व एमएलसी भी है वो, और अच्छे लाल कुशवाहा भी हैं, रामलखन सिंह कुशवाहा भी हैं, इसमें श्रीमती रामबाई जी भी हैं जो विधायक हैं बसपा की, और बहुत दबंग विधायक हैं वो, और सीएस बौद्ध जी हैं, अतर सिंह जी हैं, भूपेंद्र आर्य जी हैं, जोन प्रभारी हैं, संजीव सिंह कुशवाहा हैं नेता विधायक हैं वो, और मनीराम धाकड़ जी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं वो प्रभारी ग्वालियर से, एमपी सत्यार्थी हैं, जोन प्रभारी हैं ग्वालियर से। तो ये पूरा एमपी के अंदर ये इतना जबरदस्त समीकरण बनता जा रहा है। और बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ तक बोला है कि ये रथ, इस तरीके का रथ पूरे देश में चलना चाहिए, जगह जगह पे चलना चाहिए, ताकि बहुजन समाज के लोग इसको देख सकें और इसकी विचारधाराओं से जुड़ सकें। इस रथ को जो लेके निकले हैं, वो बहन कुमारी मायावती से एक अनुरोध करा था कि ऐसा रथ बनाया जाए। अब वो दिन दूर नहीं है कि बहन कुमारी मायावती लाल किले से झंडा फहराएंगी। उसका कारण है कि बहुजन समाज का ढेर सारा प्यार उनको बहुत अच्छे से मिल रहा है, और जो गठबंधन है वो भी बहुत मजबूत तरीके से होता जा रहा है। बहुजन समाज के लोगों का मानना है देश को अच्छे से नेतृत्व को चला सकता है तो वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती है। ऐसे ही तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटी का निशान दबाएं, ताकि आपके पास बहुजन समाज की लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें सबसे पहले। अगली वीडियोस तक दीजिए हमें इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय।